आमिर खान ने पिछले एक दशक में ऐसी प्रतिष्ठा हासिल कर ली है कि यदि उनका नाम किसी फिल्म से जुड़ा हो तो वो अच्छी फिल्म की गारंटी होता है। सीक्रेट सुपरस्टार इस बात को मजबूती देती है। सीक्रेट सुपरस्टार एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका एक सपना है। अपने सपनों में वह रंग भरना चाहती है लेकिन उसकी राह में ढेर सारी अड़चने हैं। अपने सपने को पूरा करने की उसकी जो यात्रा फिल्म में दिखाई गई है वो आपको भावुक कर देती है। मंजिल सभी को पता है लेकिन उस तक जाने का जो सफर है वो फिल्म को यादगार बनाता है। इस फिल्म को अद्वैत चंदन ने लिखा और निर्देशित किया है। रूढ़िवादी परंपराएं और आधुनिक तकनीक को उन्होंने बारीकी से जोड़ा है। एक लेखक के रूप में उनका काम शानदार है। इंसिया की पृष्ठभूमि, उसके सपने, माँ, भाई और दोस्त के साथ उसके रिश्ते को बड़ी सफाई के साथ लिखा गया है। स्क्रिप्ट में इतनी कसावट है कि शुरू से आखिरी तक यह आपको बांध कर रखती है। फिल्म में ऐसे कई इमोशनल सीन आते हैं जब कई लोगों को आंसू रोक पाना मुश्किल होगा। इंसिया का अपनी माँ को बुद्धू समझना और बाद में यह जानना कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना कुछ किया है, फिल्म का मास्टर स्ट्रोक है। फिल्म दो ट्रैक पर चलती है, एक फैमिली ड्रामा है और दूसरा इंसिया का सपना। इस कारण दो धमाकेदार क्लाइमेक्स देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि फिल्म आपको कई जगह हंसाती भी है। जहां तक कमियों का सवाल है तो इंसिया जिस तेजी से सफलता हासिल करती है उसको लेकर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। इसी तरह कहीं कहीं फिल्म में मेलोड्रामा कुछ ज्यादा ही हावी हो गया है। फिल्म की लंबाई भी थोड़ी अखरती है लेकिन फिल्म का कंटेंट शानदार होने के कारण छोटी मोटी कमियों को इग्नोर किया जा सकता है। निर्देशक के रूप में भी अद्वैत प्रभावित करते हैं। उनके काम में परिपक्वता झलकती है। दृश्यों को उन्होंने गहराई के साथ फिल्माया है और अपनी स्टार कास्ट से बहुत अच्छा काम लिया है। जायरा वसीम ने कमाल का अभिनय किया है। इस दंगल गर्ल ने दिखा दिया है कि उसमें बहुत दम है। जायरा के चेहरे पर पल पल बदलते जो भाव हैं वो देखने लायक हैं। माँ के रोल में मेहरवीज का अभिनय लाजवाब है। आमिर खान पर फिल्म को सफल बनाने का किसी तरह का दबाव नहीं था इसलिए उन्होंने उन्मुक्त अभिनय किया है। कौसर मुनीर ने बेहतरीन गीत लिखे हैं और अमित त्रिवेदी का संगीत भी अच्छा है। सीक्रेट सुपरस्टार को जरूर देखा जाना चाहिए। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।